खबर कृष्ण नगरी मथुरा से है, जहां गोवर्धन तहसील के रहने वाली छात्रा दीपशिखा बघेल ने सीबीएसई बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया, जिससे छात्रों के परिजनों में खुशी का माहौल है। वहीं परिजनों ने अपनी बेटी के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाई खिलाई, बधाई दी। बता दें कि गोवर्धन तहसील के गांव रामपुर की रहने वाली दीपशिखा बघेल है, जो सीबीएसई कक्षा 10वीं की ब्रजधाम विद्या मंदिर पाली डूंगरा की छात्रा है। वहीं छात्रा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सीबीएसई बोर्ड और सरकार द्वारा परीक्षा निरस्त कर दी गई। बोर्ड में जो अंक दिए गए थे उनसे मैं संतुष्ट नहीं थी, जिसको लेकर छात्रा ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का निर्णय लिया। 3 विषय की परीक्षा दी, जिसमें छात्रा की परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आया। और साथ ही बताया कि मेरे जैसे कई छात्रों के साथ अन्याय हुआ था, जिन्होंने दोबारा परीक्षा देकर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जिस प्रकार इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते हमें सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट दिया गया, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था, उस वर्ष मुझे विज्ञान में मात्र 42, सामाजिक विज्ञान में 70 और गणित में मात्र 60 अंक दिए गए थे। इस कारण मैंने इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का निर्णय किया। समय के अभाव के कारण मैंने सिर्फ इन 3 विषयों को चुना। मुझे इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने के बाद साइंस में 95, सोशल साइंस में 91 और गणित में 85 अंक प्राप्त हुए। आप अपने परिजनों के बारे में बताएं, किस प्रकार उन्होंने आपका सहयोग किया। मैं इसका श्रेय अपने ताऊजी, ताईजी, मम्मी पापा व बड़े भाई को देना चाहूँगी, जो मुझे मेरी तैयारी के लिए मथुरा लाए। बड़े भाई का काफ़ी सहयोग रहा और मैं सभी छात्र छात्राओं से यही कहना चाहूँगी कि परिश्रम और लगन से जो आपको आपका उद्देश्य या फिर लक्ष्य हासिल करा सकती है। वहीं दीपशिखा बघेल के परीक्षा में पास होने पर परिजनों में खुशी की लहर है। साथ ही परिजनों ने छात्रा दीपशिखा बघेल को मिठाई खिलाकर लगन से पढ़ाई करने की शुभकामनाएं दी।